कश्मीर न्यूज सर्विस प्रेजेंट कैसे जिंदगी बसर कर रहे हैं। मैं ये डॉक्यूमेंट्री चीफ गेस्ट और अन्य उपस्थित मेहमानों के सामने चलाने की मिलाकर ये शेड्यूल ड्राइव आबादी का 94.7% है। आबादी का 3.8% है, जबकि सिटी लोग चीना जगत कबीले के लोगों की आबादी शेड्यूल ड्राइव आबादी सचिव। ये बहुत बड़ी एक मुश्किल है हमारे सामने। जो मोबाइल स्कूल्स बनाए भी गए थे वो अक्सर नीचे वाली धाराओं के ऊपर, जो हमारे गुजर भाई जिस वक्त अपना भैंस और गाय लेके जाते हैं वहां तक महदूद हैं, लेकिन चूंकि बकरवाल भाई हमारे कांस्टेंट मूव के ऊपर रहते हैं, वो किसी भी एक जगह पर 5-10 रोज से ज्यादा नहीं रह सकते, क्योंकि उनके रेवड़ ने वहां की सारी घास खत्म कर लेते हैं और उसके बाद जब वो आगे चलते हैं तो ऐसे, और चूंकि उन सबके रेवड़ अलग अलग जगह पर होते हैं, एक एक फैमिली लेकर चल रही होती है, तो एक बहुत बड़ा हमारे लिए एक लम्हा फिक्र है कि उनके बच्चों को किस तरीके से हम वो पढ़ाई मुहैया करवाएं जो शहर के बच्चों के लिए है। एक नारा दिया था, सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास और सबका विश्वास, और मुझे लगता है कि इस तरह के कार्यक्रम इस चीज़ को पूरी तरह पूरा करने में मदद करती हैं। एक हमारे एलजी साहब के नेतृत्व में एक कोशिश रही है कि हम सभी का विश्वास को लेकर के सबको साथ लेकर के चल सकें। उपेक्षा और दमन का शिकार हुए हमारे आदिवासी समाज की तकलीफ को दर्शाता है, और मैं कहना चाहूँगा कि नज़दीकियों में दूर का मंजर तलाश कर, नजदीकियों में दूर का मंजर तलाश कर, जो हाथ में नहीं है वो पत्थर तलाश कर, सूरज के इर्द-गिर्द भटकने से क्या फायदा, सूरज के इर्द-गिर्द भटकने से क्या फायदा, दरिया हुआ है गुम तो समंदर तलाश कर। उसी समंदर के लिए सालों पहले स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने आदिवासी समुदाय के लिए फॉरेस्ट राइट्स एक्ट की परिकल्पना की थी। मुझे याद है उस दौर में मध्य प्रदेश में आदिवासी बहुल इलाके में लोगों ने अपनी झोपड़ी के बाहर तख्तियां लिख करके टांग रखी थी और उसमें लिखा था, जमीन हमारी माँ है, इसे नुकसान मत पहुंचाओ। आज जब ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज पर चर्चा देश और विदेशों में हो रही है, तो जल जंगल जमीन पर निर्भर एवं हजारों साल से संपूर्ण सृष्टि के लिए और उसके लोक कल्याण के मूल्यों के साथ जीवन जी रहे आदिवासियों को ही संपूर्ण विश्व और यह देश याद कर रहा है। लोग बात बात में उदाहरण देते हैं कि साहब देखिए आदिवासी समुदाय किस तरह प्रकृति के साथ सामंजस्यपूर्ण जीवन जीता है, जंगलों से उतना ही लेता है जितना जीवन चलाने के लिए आवश्यक होता है, पेड़ों को देवता की तरह पूजता है, और साथ ही ये लोग ये बताना या रिकमेंड करना नहीं भूलते कि सृष्टि को विनाश से बचाने के लिए समाज को अगर किसी से कुछ सीखना है तो वो आदिवासी समुदाय से सीखा जा सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग कश्मीर न्यूज सर्विस।